ओके अब बताओ, चलो कौन बताएगा? गिड़िया बताएगा? चल गिड़िया बता, 7 नंबर कौन सा था? वन कंपाउंड कंटेन्स 4.07 हाइड्रोजन. 0.7 ग्राम होगा. ग्राम नहीं है, परसेंटेज है. ओके, परसेंटेज हाइड्रोजन. ओके 24.47 परसेंटेज कार्बन. ओके, हाइड्रोजन कार्बन तो ऐसे लिखने थे ना, इंपिरिकल फॉर्मूला चाहिए ना. सर ये तो एकदम सिंपल है सर, हाइड्रोजन ये कार्बन, तो है फिर क्लोरीन. क्लोरीन है, क्लोरीन. फिर ये तो टेक्स्ट बुक का ही है. फिर बताओ यस सर. ये सर. तीन है और 4.07% हाइड्रोजन है, 24.47 जितना क्लोर. कार्बन है, क्लोरीन कितना है? क्लोरीन, क्लोरीन की वैल्यू मैंने याद नहीं की थी, इन दोनों की तो याद थी मुझे. चलो भाई, 71.65. अब क्या करना होता है पता है आपको? यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखो, एटॉमिक वेट इसका होता है 1, 12 4.07 कोई होगा ना सर? और ये होगा 35.5. अब इससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 4.07. फिर ये करेंगे 24.47 डिवाइडेड बाय 12. 2 पॉइंट कितना आ रहा था याद करके बताना, 2 पॉइंट कितना आ रहा है बच्चों बताओ? 0.03 पक्का? टू पॉइंट जीरो हाँ टू वन ओके. तो इसका कितना आएगा? टू पॉइंट जीरो टू वन इसका भी टू इतना ही आ पॉइंट रहा है सर. वो सेकंड वाले में 2-1 नहीं, 3-1 होगा. इट्स ओके, उसे इतना. चलो अब होल नंबर ले लेते हैं, हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. इनमें से सबसे छोटी से हम लोग इसको क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे. सबसे छोटा कौन है? 2.2021. तो उससे कितना आंसर आएगा? टू. ऑलमोस्ट टू. और इन दोनों में कितना आएगा? वन वन. समझ रहे हो बात? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? CH2Cl. CH2Cl. चलो यस सर. अब आपको ढूंढना आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. चलो मुझे बताओ एन कैसे निकलेगा? मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट इंटू एम्पेरिकल वेट. चलो मोलिकुलर वेट कितना है वो बताओ? 98.96. और ये कितना आ रहा है? वो 48 point something है. 49.48. हाँ तो आप कितनी आ रही है वो बता दो. चलो बता दो अभी. सो वो टू आएगा एन. तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? C2H4Cl2. कहाँ गया घेड़िया, समझ में आ गई बात? यस सर. था पूरा एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला सर, ये आपने करवाया था? हाँ सर, ये तो करवाया था, एग्जांपल में ही था. अरे इट्स ओके यार, उसको नहीं समझ आया तो पूछेगा ही ना. चलो नेक्स्ट कौन सा है वो बताओ, नेक्स्ट कौन सा है वो बताओ सर. 10 नंबर का. 10 नंबर का क्या है बताओ? 9 नंबर का भी. 10 नंबर का क्या है बताओ फटाफट से? क्या यार सब कुछ कराओगे क्या? 9 नंबर का क्या है बताओ? The density of 3 mole solution of NaCl is 1.3. Density of 3 molar है कि molal है? Capital M लिखा है. तो molarity हुई, molarity 3 है. Density कितनी है? 1.25. ओके फिर ml पर लीटर, ग्राम पर ml. अब वो समझ गया. फिर कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. अरे गधे है तो वो तुझे नहीं पता क्या ये फॉर्मूला है? मैंने वो m था तो मैंने मोल गिने थे, इसलिए मेरा कुछ आंसर नहीं आ रहा. डेंसिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आता है
डेंसिटी अभी बाकी है, ये अभी बाकी है, डोंट वरी, मींस ऐसे आ गया है लेकिन अच्छे से करवाना बाकी। देखो ऐसे ये फॉर्मूला लिख लो, सर सर मेरा तो ये वाला हो गया। हाँ तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ये देख लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला। ये क्या है यार, कोई जो है आंटी बोल रही है पीछे, कोई बच्चा अनम्यूट होता है ना तो उसके पीछे कोई आंटी बार बार बोले जा रही है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ा साइलेंट रहना, या फिर वो अनम्यूट नहीं होगा बच्चा। ये देखो ये मोलारिटी और यहाँ पे मोलालिटी, अब थोड़ा सा समझो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, वन अपन मोलारिटी प्लस मोलेकुलर वेट बाय 1000 आएगा, दैट्स ऑल। आगे बात समझ में? यस, चलो ये बात है, हो गया इतना। चलो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। चलो नाइन नंबर क्या है वो बताओ। नाइन नंबर ही था ये, अच्छा नाइन ही था। टेन नंबर क्या है वो बताओ। Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has density 1.41 gram per ml and the mass percent of nitric acid in it being 69%. ये भी आ जाएगा, आज करवा दूंगा लास्ट में। चलो क्लियर। मैं देखना चाहता था कि आप अपने ओर से कितना दिमाग लगाते हो, दिक्कत तो रहेगी उन सब में। अभी बात क्या हो रही है, हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ लेंगे, उसके बाद एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना वो सिखा दूंगा। हेलो, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो सिखा दूंगा, डोंट वरी। पहले हम लोग हाँ क्या हुआ, ओके नॉर्मलिटी हम लोग पढ़ा था, क्या था नॉर्मलिटी, 1000 इंटू बताओ क्या आएगा, वेट ऑफ 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वीएम सॉल्यूट। अब हम बात कर रहे थे इसकी, किसकी बात कर रहे थे, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या आता है बताओ, मोलर वेट बाय एन। चलो अब एन कुछ भी हो सकता है, तो हम पहले एसिड के लिए अगर ढूंढे, एसिड के लिए मैं तुम्हें याद रखना चाहता था कि यहाँ पे एसिड का नाम है और यहाँ पे एन की वैल्यू है। अगर एच सी एल है तो एन आएगा वन, एच एन ओ थ्री है एन आएगा वन, एच टू एस ओ फोर है टू आएगा, एच टू सी ओ थ्री है एन की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। समझ रहे हो बात, यस और नो? यस। एसिड है और यहाँ पे एन की वैल्यू है, चलो एच थ्री पी ओ फोर है तो यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री आ रही थी, एच थ्री पी ओ थ्री है तो एन की वैल्यू टू आ रही थी, एच थ्री पी ओ टू है तो एन की वैल्यू कितनी आ रही थी, वन। एक चीज याद रखना और भी, एच थ्री बी ओ थ्री है तो इसकी वैल्यू आएगी वन, ये याद रखना है आपको। इसमें भी ऐसा ही होता है, एक ही एच प्लस डोनेट कर पाता है। चलो नेक्स्ट वन, फिर हम बात करते हैं, एक होता है ऑक्सैलिक एसिड, कौन सा एसिड होता है बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड, उसका फॉर्मूला ही होता है एच टू सी टू ओ फोर इंटू टू एच टू ओ, इसमें एन की वैल्यू आपको लेनी है दो, याद रखना ये ऑक्सैलिक एसिड, एच टू सी टू ओ फोर इंटू टू एच टू ओ, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है सी डबल ओ एच चलो क्लियर है बात, आया ना? यस सर। ओके चलो हो गया, तो एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एन से आपको क्या निकाल लेना है, इक्विवेलेंट। चलो बेस के लिए बात करते हैं हम लोग। अब हम किसके लिए बात करने वाले बच्चों, अगर आपके पास बेस है, सपोज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ओ एच, यहाँ पे कितने ओ एच माइनस रिलीज होंगे बताओ, एन ओ एच है तो एक, तो एन की वैल्यू आ जाएगी वन। सपोज एन ओ एच है उसमें से तो ये निकलेगा एन ए प्लस प्लस ओ एच माइनस, एक ही ओ एच माइनस निकला। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट कितना होता है NaOH का, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वन। चलो मुझे बता मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का, 40।
कितना होता है 40 40 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1 पक्का हो जाएगा 40 ग्राम ओके इक्विवेलेंट सर वो जो आयन है तो उसको बोलते क्या है मींस उसका नेम तो कुछ होगा ना सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है क्या मजाक कर रहे हैं यार सोडियम हाइड्रोक्साइड नेम अभी जानना है क्या नहीं सर तो, ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जो आयन लेते हैं तो आयन का कुछ नेम होगा ना हां इनका है ना एसिड के ओके वेयर एन इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस या फिर एन इज इक्वल टू basicity of acid या फिर n is equal to number of electrons या फिर n is equal to change in oxidation n factor होता है सर नहीं n factor नहीं है मतलब ये n की value होती है 1 2 3 4 लेकिन इसने बोला क्या हो सकता है तो कल जो हमने देखा था वो ये देखा था वो है basicity थी acid की आज जो हम देख रहे हो acidity है base की nothing else समझ गया बात भाई शॉर्ट देखेंगे तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे समझ रहा है ना अभी बात तू हेलो यस सर तू ये सोचना मेन काम का एक ही है होता कितना है एन चल इसके लिए एन कितना होता होगा बता COH ट्राइज़ तो एन कितना होता होगा 2 चल तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल के दे COH ट्राइज़ का इक्विवेलेंट वेट निकाल के दे चलो ये हमारा एच थ्राइज है कितना होता होगा बताओ एन कितना होता होगा 3 यस COH ट्राइज आ गया ना SROH ट्राइज है बता 2 यस तो ये क्या है सर एन एन है बेसिसिटी एसिडिटी ऑफ बेस कि एक बेस कितने एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है समझा तू बात यस सर चलो अब हम लोग बात करते हैं सॉल्ट के लिए चलो फॉर सॉल्ट सॉल्ट के लिए एन क्या बोलते हैं हम लोग बता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे ठीक है अब तू सोच तेरे पास मैं सॉल्ट देता हूं NaCl यहां पे एन की वैल्यू कितनी आएगी पता है तुझे बता एन की वैल्यू कितनी आएगी 1 क्योंकि एक सोडियम है एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है क्लोरीन एटम विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई आई कैन से Here, that's why I can say that the value of n will remain 1 for the NaCl. So, if it's like this, KCl hota to n ki value kitni hoti ho bata? 3. Ane 1. Gediya, tere ghar se bahut awaaz aa rahi hai. Tu mute kar bhai. Chalo CaCl 2 hai. Tab socho n ki value kitni hoti hogi? 2 rahegi. क्योंकि यहाँ पे एक कैल्शियम है वो सी ए प्लस टू होता है वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों एक्सेप्ट करता है समझ रहे हो बात तो सी ए सी एल टू है तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ एन की वैल्यू कितनी रहेगी 2 क्योंकि कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और दो क्लोरीन एटम दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं सपोज ई एल सी एल 3 है तो एन की वैल्यू कितनी होती होगी बताओ 3 रहती होगी क्योंकि एक एल्यूमिनियम है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सामने 3 क्लोरीन एटम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ 3 का सपोज ये ऐसा होता है NaCl2 तो अब मुझे को n की वैल्यू कितनी होती होगी 2 सर रहना आप लोग साथ में बोलना मैं तो सर मतलब जो एलिमेंट नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा वो उसका एन लिखा जाएगा नहीं मैं ऐसा नहीं बोला मैंने ऐसा बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे देख एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सामने 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन का कितने का ट्रांसफर हुआ 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जैसे CaCl2 है यहाँ पे एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन एटम एक्सेप्ट करते हैं समझ रहे हो बात हाँ सर दैट्स ऑल यस चलो अब बताओ नेक्स्ट वन आगे बताओ
कौन सा आएगा वो बताओ। नेक्स्ट वन, हाँ अगर ये Al2SO4 थ्राइज है, चलो इसमें जिसने n की वैल्यू बता दी उसको मैं सैल्यूट करूंगा। इसमें n की वैल्यू कितनी होती होगी बताओ। टू। चित्रा रॉन्ग रॉन्ग सर। 12 रॉन्ग। 13 नो। 2 नो। चौवन नो। सोमेन नो। एक बच्ची ने सही आंसर दे दिया, एक बच्ची ने सही आंसर दे दिया। चेक सर 9 सर 9 आएगा गलत। इसका आंसर है 6। सुनो यहाँ पे दो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 3SO4-2 है। दो एल्यूमिनियम मिलके 3 और 3 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और ये सभी दो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये हो जाता है Al+3 तो 6 होगा। हाँ तो ये 6 होता है। तो आपको टोटल देखना है, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दो एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना बच्चों। यस सर। तो वही तो बोला था ना। चलो बताओ मयंक गजेरा म्यूट हो जा। चलो आज ये बात सुनो, अभी एन की वैल्यू। यस सर। चलो अब एक भी और होता है वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब मैं आपको अगर ऐसा बोल दूं, फाइंड आउट नॉर्मालिटी ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 10 ग्राम ऑफ CaOH2 इंटू 5 लीटर सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, ढूंढना क्या है। हमारा एक ही तरीका रहेगा, कोई भी एग्जांपल हो, ढूंढना क्या है आपको। नॉर्मलिटी, फाइंड आउट नॉर्मलिटी। ओके चलो अब मैं बात करूं नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताओ। 1000 मल्टीप्लाई वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वीएम। इक्विवेलेंट वेट। ओके हमारे पास सब कुछ है, देखो वीएमएल है 5000, सॉल्यूट है 10 ग्राम, एक ही चीज नहीं है, कौन सी चीज नहीं है बताओ। इक्विवेलेंट वेट। तो ई इक्विवेलेंट वेट नहीं है अगर आपके पास, अगर ई इक्यू नहीं है आपके पास, तब हम क्या करेंगे बताओ। इसका फॉर्मूला रखेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट भाई क्या रखेंगे, एन। चलो यहाँ पे एन कितना होता है CaOH2 के लिए, 2 होता है, 2 आएगा। और चलो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 20 प्लस 34 देखो तो सही पहचाना क्या। नहीं गलत हो गया सर, गलत गलत गलत, इसका 40 होता है, 40 प्लस 34। समझ में आया कैसे किया। यस सर 74 37 यस और नो। यस फिर से एक बार समझाना चाहूंगा कैसे निकला इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल देना है, डिवाइडेड बाय हम क्या लिख देने वाले बच्चों, एन लिख देने वाले। तो चलो आप मुझे बताओ एक कितना आता होगा, 1000 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ, 10 डिवाइडेड बाय 37 इनटू 5000। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। You may answer, be fast. 2/33 2/33 पक्का ना। सॉरी सर 33 नहीं 37 37 0.504 आएगा। 0.0 504 पक्का। यस सर।
ये चीज बन रही है। तो नेक्स्ट वन देखते हैं, बताओ क्या होगा नेक्स्ट वन में। सर 0.0540 आता है, 04 नहीं 40। ठीक है अब ओके। इसमें इसका यूनिट वाला ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, याद रखना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर याद रखना, ये चीज यूनिट याद रखना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है चलो, अब मैं बहुत ही अच्छा सा आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। चलो अब मैं अच्छे से आपको एक चीज और बताता हूँ, जिसमें मैं आपको ये बता दूँ कि किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं ना। नॉर्मलिटी तो आपको आएगी, फॉर्मालिटी मोलारिटी नॉर्मालिटी एंड फॉर्मालिटी सभी का फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है तो अगर मोलारिटी दी है तो नॉर्मालिटी कैसे निकलती है। चलो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी, तो याद रखना नॉर्मालिटी इज इक्वल टू एन इंटू मोलारिटी आएगा। तो ये कैसे आएगा, अगर आपको मोलारिटी दी है तो आप नॉर्मालिटी ढूंढ सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मालिटी दी है तो आप मोलारिटी ढूंढ सकते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या आता है, 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू VML आता है। चलो नॉर्मालिटी का क्या फॉर्मूला आता है, सेम लेकिन एक ही जगह पे क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है बताओ, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट होता है ना। चलो अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लू तो क्या आएगा बताओ, इन दोनों का अगर रेशियो ले लू तो, अगर इन दोनों का रेशियो ले लू तब क्या आएगा बताओ बच्चों, एम और एन का रेशियो ले लिया तो ये सब तो कैंसल हो जाएगा, एक ही चीज बचेगी इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। अगर मैं ऐसे लिखू नॉर्मालिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये तो हो गया हमारा एन, समझे आप बात, एन हो गया ना। हेलो चलो अगर ऐसे नहीं समझ में, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है एक काम करो, इक्विवेलेंट वेट की जगह पे आप क्या लिख दो, इक्विवेलेंट वेट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बताओ, मोलिकुलर वेट बाय एन लिख सकते हो। यस एन ऊपर चला जाएगा और एन इधर आ जाएगा, तो ऐसे बनता है फॉर्मूला, याद रखो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू एम होगा कैपिटल एम, इज इट क्लियर। यस सर एक मिनट ना लिखने दो, अरे ये तो हाँ ठीक है चलो लिखो, ये फॉर्मूला मत भूलना, मोस्ट टाइम भी फॉर्मूला है। चलो और बच्चों बताओ, तो इससे क्या फायदा, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको ऐसे अगर क्वेश्चन पूछू तो आप पाना चाहिए, फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल H3PO3 सॉल्यूशन, मजा आएगा, कौन आंसर देता है मैं देखता हूँ। चलो फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल H3PO3 सॉल्यूशन, बताओ क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला लगाओ, n इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू n, और n कितना है यहाँ पे 0.2 है, n की वैल्यू कितनी रखूंगा वो बताओ, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, 2 गलती नहीं होनी चाहिए। So m is equal to 0.2 by 2. What will be the answer? 0.1. इसी का आंसर नहीं था मोल पर लीटर, आई बुरी बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, लिखते रहना आप लोग साथ में बच्चों, पर एक क्वेश्चन देता हूँ समझना। फाइंड आउट नॉर्मालिटी ऑफ Find out normality of
0.4 मोलर H2SO4। चलो तो मुझे तो पता ही है नॉर्मलिटी ढूंढनी है, मोलारिटी दी गई है, सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम आता है। तो बच्चा मुझे बताएगा कितना आंसर आता होगा अभी, एन इज इक्वल टू 0.8। एन कितना आता है मोल पर? 2 मोल पर नहीं आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। चलो हो रहा है धीरे धीरे क्लियर? यस सर, लिखने देना बाकी। लिख लो कोई दिक्कत नहीं। सर हम लोग रिजॉइन हो जाए। हम लोग रिजॉइन हो जाए, 7 मिनट ही बचे। हाँ चलो हो जाओ।